हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? भाई पाप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दूध और मलाई, गोले का बारूदा और यहाँ पर वैनिला कस्टर्ड हमने लिया है। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने जितना दूध लिया है उसे हमें जो है ले लेना है। और उसके बाद एक दिन की हमने यहाँ पर मलाई ली है, और इसे इसमें डाल के हमें अच्छे से जो है चलाना है, और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ले लेना है और इसे ऐड करना है। और उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है गोले का बारूदा, और इसमें गोले का बारूदा जो है टेस्ट अलग ही आता है इससे। आप इसे हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है गोले का बारूदा लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें हमें डालनी है शुगर, तो शुगर जो है हमें ठीक ही लेनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है जितनी भी हम शुगर डालते हैं उस हिसाब से ठंडा होने के बाद हमें कम जो है शुगर मीठा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा हमें लेनी है। अब इसे हमें लगातार पकाते रहना है, और इतना पकाना है कि इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब जो जितना हमने लिया था उससे थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे। अब हमें लेना है वेनिला कस्टर्ड जो हमने लिया है, उसकी हमें यहाँ पर 3 चम्मच हमने लिया है, इतना बहुत होता है। आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, अदरवाइज इतना बहुत होता है। अब इसे हमें डायरेक्टली नहीं इसमें ऐड करना है, इसे हमें फेट कर ऐड करना है। तो इसे हमें दूध में थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेना है इस तरीके से, जिससे आप देख जैसा आपको दिख रहा है, और इसे हमें ऐड करना है इसमें, और ऐड इस तरीके से करना है कि इसे जैसे जैसे हम डालेंगे वैसे वैसे लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो इसकी गुड़ी बन जाती है। और अब जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसे डालते ही इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, और आप जो है इसे जब डाल देंगे थोड़ा सा पकाने के बाद गैस की फ्लेम जो है बंद कर देनी है। एंड अब हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर एकदम रेडी है। एंड अब जो है इसे चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, आप रुकेंगे तो इसकी गुड़ी बन जाएगी। और अब इसे जो है पूरा ठंडा करने के बाद हमें कुल्फ़ी स्टैंड जो होता है उसमें हमें भर लेना है, और सारा तो हमारा नहीं आएगा, जितना हमारा आ रहा है उतना हमें भर लेना है। और जो ये लकड़ी की चम्मच होती हैं ये हमें इसमें लगा देनी है। तो अब इसे थोड़ा सा झटक के जो एकदम जो है ये सही हो गया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो हमने कटोरियों में ले लिया है। अभी हमें इन्हें जो है फ्रिज में रखना है, और कुछ घंटों बाद, लगभग 5 से 6 घंटे बाद हमारी जो कुल्फ़ी है वो जमकर एकदम रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी कुल्फ़ी बनी है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।